बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल से मिली छुट्टी। डॉक्टर ने कहा कि ममता के आग्रह पर ही डिस्चार्ज किया गया है। 48 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रहेंगी। डॉक्टर्स के मुताबिक थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकती है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को भेजी ममता के चोट लगने की घटना पर रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में सड़क किनारे खंभे और भीड़ का जिक्र, लेकिन हमलावरों का नहीं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कल जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। नंदीग्राम दिवस के दिन सामने आएगा पार्टी का जनता से वादा। ममता के घायल होने के चलते 11 मार्च को घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ था। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा भरा। बोले, दोनों हाथ में लड्डू, कोलकाता और दिल्ली। कोई संदेह नहीं है कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी। नंदीग्राम से नामांकन से पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के मंदिरों में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद थे। नामांकन भरने के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा, मैं भूमिपुत्र हूं, नंदीग्राम का युद्ध मैं ही जीतूंगा। हदिया में शुभेंदु अधिकारी की सभा में स्मृति ईरानी ने बंगाल में भाषण देकर सबको चौंकाया। बोली, कह रहा है नंदीग्राम, इस बार जय श्री राम। बीजेपी ने सिर्फ नंदीग्राम सीट के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया प्रभारी। प्रधान ने कहा, हम नंदीग्राम जीतेंगे। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है बंगाल में सीएम हारता है। नंदीग्राम से नामांकन के दिन सामने आया बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का वोटर कार्ड। शुभेंदु ने तुमलुक से अपना नाम नंदीग्राम में ट्रांसफर करवाया। नंदीग्राम से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में उतरी सीपीएम उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी। हल्दिया में भरा पर्चा, मीनाक्षी ने रोड शो भी किया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट के विरोध में सड़क पर उतरे टीएमसी कार्यकर्ता। कोलकाता में मौन जुलूस निकाला। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड से ममता बनर्जी का मिला साथ। सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने समर्थन देने का किया ऐलान। हेमंत सोरेन ने कहा कि दीदी की वापसी करानी है। और दिल्ली में आज शाम बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की अहम बैठक। बंगाल समेत सभी 5 चुनावी राज्यों के बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। 14 मार्च से फिर शुरू होगा गृह मंत्री अमित शाह का मिशन बंगाल। 14, 15 और 19 मार्च को राज्य के अलग अलग हिस्सों में करेंगे रैली। बीजेपी ने चुनाव आयोग से टीएमसी की शिकायत की। कहा, नंदीग्राम में बीजेपी के पोस्टर तक नहीं लगने दे रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। बीजेपी ने स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग की। टीएमसी भी चुनाव आयोग पहुंचा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर इलेक्शन कमीशन से बीजेपी की शिकायत की। सोशल मीडिया पोस्ट और 7 मार्च को ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी के बयान का भी जिक्र किया। बंगाल और असम में कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट में G23 के नेताओं को जगह नहीं। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, सिब्बल सूची से बाहर। बागी नेता संजय झा ने उठाए सवाल। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से होते हुए किसान आंदोलन कोलकाता पहुंचेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकलेगा यह जुलूस। किसान नेताओं ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, किसी दल को समर्थन नहीं, लेकिन बीजेपी को हराना है। घमंड टूटेगा तो किसान की बात मानेगी सरकार। पश्चिम बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने खोला मोर्चा। चुनाव प्रचार के बीच आज कोलकाता और नंदीग्राम में महापंचायत करेंगे किसान नेता। शारदा चिटफंड घोटाले में टीएमसी नेता मदन मित्रा को ईडी ने नोटिस भेजा है। 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है।
कामराहाटी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं मदन मित्रा, पहले भी जा चुके हैं जेल। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों पर होगी चर्चा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने जारी किया 173 उम्मीदवारों की सूची, कोलाथूर से मैदान में उतरेंगे पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन। क्वाड की बैठक में भारत चीन सीमा तनाव का मुद्दा भी उठाया गया। क्वाड देशों के सभी नेताओं ने भारत का समर्थन किया और सहानुभूति जताई। क्वाड बैठक में पीएम मोदी ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा, हम इस क्षेत्र को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के लिए एकजुट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र ही दुनिया की तकदीर तय करेगा। क्वाड की बैठक में कोविड 19 के खिलाफ टीकों की साझेदारी से समुद्री सुरक्षा तक के मुद्दों पर चर्चा की गई। नए प्रयास के तहत भारत में वैक्सीन की नई क्षमताएं विकसित होंगी। भारत ने अब तक 70 देशों को टीके मुहैया करवाए। देश में फिर से तेजी से फैल रहा है कोरोना। एक दिन में 23,000 से ज्यादा केसेस सामने आए, कुल 117 लोगों की मौत भी अब तक हुई है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 400 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। एक दिन में 431 नए मामले सामने आए, दो लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 15,800 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए, 56 लोगों की मौत हुई। बढ़ते कोरोना की वजह से 8 जिलों में कर्फ्यू, लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर में एक स्कूल के 44 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, स्कूल बंद कर सभी छात्रों को क्वारंटीन किया गया। पंजाब में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, राज्य के 7 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने डोडा से एक आतंकी फिरदौस को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आतंकी की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। मुंबई में अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में छापा मारा गया। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर से मोबाइल जब्त की गई, आज पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। मनसुख हिरेन मौत केस में के आरोपों में घिरे मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे का ट्रांसफर, क्राइम यूनिट से पब्लिक फैसिलिटी सेंटर भेजे गए। सचिन वाजे बोले, क्राइम ब्रांच की सेवा से मुक्त हुआ। मुंबई के नालासोपारा में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। दिल्ली की एक युवती ने लड़के को फंसाकर रुपयों की मांग की, मुकदमा दर्ज कर लड़की की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई एयरपोर्ट से राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने व्यवसायी हरप्रीत सिंह तलवार को गिरफ्तार किया। महिलाओं की सैंडल के आड़ में सिगरेट की तस्करी का आरोप लगाया गया। प्रयागराज में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों के हमले में परिवार के कई लोग जख्मी हुए। 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रयागराज में पुलिस महकमे के 2 अफसरों के बीच सरेआम वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में एक सब इंस्पेक्टर सीनियर महिला इंस्पेक्टर से बदसलूकी करते हुए नजर आया, चीखते चिल्लाते हुए भी नजर आया। यूपी के मैनपुरी में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के मकान मालिक पर मर्डर का आरोप लगा है, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस।
यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस की दो बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़। बदमाशों की गोली से सिपाही इरफान खान घायल। एक बदमाश को पुलिस ने दबोचा, दूसरा फरार। यूपी के त्रास्ती में अपनी प्रेमिकाओं से मिलने पहुंचे दो युवकों को गांव के लोगों ने जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले को संज्ञान में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के गोरखपुर में मानव तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर 15 बच्चों को आजाद कराया। बिहार से दिल्ली लेकर जा रहे थे ये बच्चों को। यूपी के गाजीपुर में अवैध शराब रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने MJRP स्कूल से 55 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। 4 आरोपी गिरफ्तार, स्कूल मैनेजर और एक दूसरा आरोपी भी फरार है। इंदौर में 3-3 लोगों से शादी करने वाली एक लुटेरी दुल्हन का कारनामा सामने आया है। पुलिस ने मुंह बोले माता पिता को पकड़ लिया है। लुटेरी दुल्हन फिलहाल फरार है। एमपी के देवास में भू माफिया के खिलाफ अभियान में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वाहवाही लुटेरने के चक्कर में बिना जांच के 17 लोगों पर FIR दर्ज की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस वालों की काली करतूत सामने आई है। बाकी खाल के साथ पुलिस के 5 जवान, 2 स्वास्थ्यकर्मी और 1 आम आदमी गिरफ्तार। रामपुर भेजी जा रही थी बाकी खाल। राजस्थान के भरतपुर में बेखौफ अपराधियों का कहर। थाने में घुसकर पुलिस वालों पर किया हमला। पुलिसकर्मियों से मारपीट की और वर्दी फाड़ी। लापरवाही के आरोप में SHO शरीफ अली लाइन हाजिर। देश में खुदरा महंगाई का 3 महीने का रिकॉर्ड टूटा। फरवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.03% हुआ। खाने पीने की चीजों और ईंधन की महंगाई में सबसे ज्यादा बढ़ा। भारत में पिछले साल के मुकाबले इस साल दोगुनी होगी नौकरियां। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 के मुताबिक 2020 में हायरिंग अनुमान दर 10% था, जो इस साल 19% हो गई है। ABP News आपको रखे आगे।